गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर थर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो फाइनल एग्जाम में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है धातुवे किसे कहते हैं। तो धातुवे हम किसे कहेंगे, वो तत्व आवर्त सारणी में वो तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, धातुवे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी क्या होती हैं, धातुवे होती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो होती है मरकरी, जिसको हम कहते हैं पारा, और इसका प्रतीक क्या होता है, Hg। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी होती है, ब्रोमीन। कौन सी होती है, ब्रोमीन, जो एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं सामान्यतया ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किन धातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसी दो धातुओं का नाम आपको पूछा गया है जो जिनका गलनांक क्या होता है, काफी कम होता है। तो दो धातुएं आपकी कौन सी है, यहाँ पे गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं जिनको आप यदि हथेली पे रखोगे तो वो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। तो इनका गलनांक क्या होता है, काफी कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातुएं क्या कहलाएंगी, क्षारीय धातु कहलाएंगी, जो आपकी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में उपस्थित होती हैं। तो इन धातुओं को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। वो धातुएं कौन कौन सी होंगी आपकी, सोडियम, इसके अलावा पोटेशियम और लिथियम। ये धातुएं ऐसी हैं जिनको आप इजीली चाकू से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कौन सी अधातु चमकीली होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती। धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक अधातु ऐसी है जो चमकदार होती है, चमकीली होती है, और उस अधातु का नाम क्या है, आयोडीन। क्या कहेंगे इसको, आयोडीन क्या होती है, चमकदार होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुएं, धातुओं को यदि हम वायुमंडल में या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो आप ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है, ये आप ध्यान में रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड क्षारीय भी होते हैं और एसिडिक या फिर अम्लीय भी होते हैं, उनको हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, एक तो आपको दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड। इनकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। कहने का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड हम किसे कहेंगे, वो ऑक्साइड या फिर धातुओं के वो ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हो, लवण और जल बनाते हो, उनको हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कौन सी धातु उष्मा की अच्छी चालक होती है। तो उष्मा की अच्छी चालक जो धातु है वो कौन सी होती है, सिल्वर, और दूसरी होती है आपकी कॉपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलय होता है। तो उस तत्व का आपको नाम बताना है कि कौन सी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है और उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि उच्च गलनांक वाला यौगिक होता है। तो वो धातु आपकी कौन सी होगी, कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे होते हैं उन पे जिंक की बजाय किसका लेप किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है। टिन का प्रतीक क्या होता है, SN, और जिंक का प्रतीक क्या होता है, ZN। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे आते हैं उन पे जिंक की बजाय किसका लेप किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पे कारण क्या होगा कि टिन जो होता है वो जिंक से क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं उन पे किसका लेप किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है, ना कि जिंक का।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं करती। तो दो धातुएं यहाँ पे जो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, किससे अभिक्रिया करके, एसिड से अभिक्रिया करके। तो दो धातुएं कौन सी हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम और जिंक। ये दो धातुएं ऐसी हैं जो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, एसिड से रिएक्ट करके कौन सी गैस को रिलीज करेंगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लेटिनम जिसका प्रतीक होता है पीटी, सिल्वर एजी और सोने को हम कहेंगे एयू, तो इनका उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए हम करते हैं, तो इनका उपयोग ही क्यों करते हैं, बाकी जो अदर धातुएं होती हैं उनका उपयोग हम क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए प्लेटिनम, सिल्वर और यहाँ पे गोल्ड, ये सक्रियता श्रेणी में क्या आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। कहने का मतलब ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट नहीं करते, तो ये कम अभिक्रियाशील होने की वजह से ये किसी भी ऑक्सीजन से क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इनमें संसारण भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इनमें संसारण नहीं होता है और इनकी जो चमक है वो बरकरार रहती है, इसीलिए इनका उपयोग जो है वो हम किसमें करते हैं, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग किसमें करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए करते हैं। तो क्यों करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से आसानी से क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन की इसके ऊपर क्या बनती है, लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, जो इसको संक्षारण से क्या करती है, बचाती है। किससे बचाती है, संक्षारण से बचाती है। ये आप यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए कि एल्यूमिनियम जो है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बनती है जो इसको संक्षारण से बचाती है। दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन ये है स्टूडेंट्स कि एल्यूमिनियम क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। किसका चालक होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तांबे के जो मलिन बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो नींबू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तांबे की जो वस्तुएं होती हैं या तांबे के जो बर्तन होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाएंगे, कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे। और जब हम इन बर्तनों पे नींबू क्या करेंगे, रब करेंगे, उन पे नींबू रगड़ेंगे, तो नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ये साइट्रिक एसिड जो कॉपर कार्बोनेट बना है उस कॉपर कार्बोनेट को अपने अंदर क्या कर देगा, विलय कर लेता है, और वो जो गंदगी ऊपर होगी वो उसको क्या कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा। इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, नींबू का इस्तेमाल करते हैं कॉपर के बर्तनों को साफ करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का उपयोग नहीं होता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गर्म बर्तन होते हैं, गर्म जल के बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं टैंक बनाने के लिए। तो ये क्यों किया जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर जो होता है वो भाप से रिएक्ट नहीं करता है। किससे रिएक्ट नहीं करता है, भाप से रिएक्ट नहीं करता है, भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि जो इस्पात होता है, इस्पात भाप से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करता है, ये अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, किससे, भाप से। तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन जो है वो क्या है कि कॉपर जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, जिसकी वजह से गर्म टैंक बनाने के लिए, गर्म जल के टैंक बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सी धातु, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धातु ऑक्साइड की हमने, धातु ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड धातुओं के ऐसे ऑक्साइड
जो अम्ल और क्षार एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हों, लवण और जल बनाते हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कॉपर की वस्तुओं को गर्म करने पर वो काली क्यों हो जाती हैं। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कॉपर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको गर्म करने पर वो काली क्यों हो जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। किससे अभिक्रिया नहीं करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन जब उसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये कॉपर ऑक्साइड के कारण, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनने के कारण इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सी धातुएं गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड दो धातुएं ऐसी हैं जो गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगी। इसके अलावा और भी धातुएं हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रखना है, सिल्वर और गोल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सोडियम को कैरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सोडियम को कैरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि सोडियम जो होता है वो क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है। ये जब हम इसको वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये आसानी से इजिली क्या होता है, बर्न होने लगता है। तो इसको जलने से बचाने के लिए हम किस में डुबोकर रखते हैं, कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एनोडीकरण क्या है, व्हाट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग किसे कहते हैं? तो जो एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ऑक्सीजन की लेयर बनाना ही क्या होता है, लेयर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, एनोडीकरण कहेंगे। और इस विधि का उपयोग करके हम एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट्स पर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन की लेयर बनाते हैं, जिससे उनको संक्षारण से बचाया जा सकता है। और इसके अलावा और अधिक आकर्षक दिखाई देने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, एनोडीकरण का उपयोग करते हैं, एनोडाइजिंग का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुएं जल से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और कौन सी गैस को रिलीज करती हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और क्या रिलीज करेंगी, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातुएं ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, तो वो धातुएं कौन सी होंगी, एल्युमिनियम, लोहा और जिंक। एल्युमिनियम, इसके अलावा लोहा और जिंक, ये तीन धातुएं ऐसी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातुएं जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेंगी, पहली है आपकी कॉपर, उसके अलावा पीबी, उसके अलावा सिल्वर, और उसके अलावा कौन सी है, गोल्ड। ये चार धातुएं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।